हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप LUT कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको LUT या बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। सो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो GST लॉ आया हुआ है उसके बाद से गवर्नमेंट ने LUT काफ़ी सिंपल कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता था और उसमें सेल्स टैक्स ऑफिस में आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, बट अभी जब से GST आया हुआ है, GST पोर्टल में आप डायरेक्टली GST पोर्टल से LUT अप्लाई कर सकते हैं। पहले बड़े सारे लिमिटेशंस होते थे LUT अप्लाई करने के लिए, बट अभी गवर्नमेंट ने वो सारे लिमिटेशंस हटा दिए हैं और अभी सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि आपके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई केस तो नहीं चल रहा है 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा का सेल्स टैक्स से इस फाइनेंशियल ईयर में या किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सेल्स टैक्स से रिगार्डिंग। सो बस यही रूल रह गया है। अगर ऐसा कोई केस आपके ऊपर नहीं चल रहा है तो आप LUT अप्लाई कर सकते हैं GST पोर्टल से बहुत ही ईजी वे में, 5 मिनट में। तो मैं अभी आपको पोर्टल पर ले चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। पोर्टल पे ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि LUT अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। सो अभी करंट सिनेरियो में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली आपके GST पोर्टल से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेगा। तो सिर्फ आपको 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट है, 2 लोकल विटनेस आपको उसमें डालने हैं। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे अपने GST पोर्टल पर लॉगिन करिए और वहाँ पे जाके LUT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और ये अप्रूवल के लिए आगे जाएगा और नॉर्मली 7 से कभी कभी 30 दिन भी लग जाते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज में आपके पास LUT आ जाती है। सो चलिए पोर्टल पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम आ गए हैं GST पोर्टल में। तो यहाँ से हमें सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज के बाद आपको यूजर सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। ये खुल गया। अब आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए सबमिट कर रहे हैं। सो हम अभी ये 2019-20 चल रहा है, सो इसके लिए। और यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था उसको आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। अब यहां आप नीचे जाते हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं आपको, ये चीजें आप ओके कर दीजिए। आप इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब नीचे आइए, यहां पे ये आपसे विटनेस डिटेल मांग रहा है। सो ये विटनेस का नाम, डिटेल, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ये चीज है, और ये दूसरे विटनेस के लिए डिटेल्स मांग रहा है। अब इसके बाद आपको ये आपका पेन मांग रहा है, आपकी लोकेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये LUT आपको हर फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करना होता है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने LUT अप्लाई किया है वो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2019 तक वैलिड रहेगा अगर आपने पिछले में किया होता। सो अब मैं इस फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये 31 मार्च 2020 तक वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये अभी जो करंट रूल है उसमें आपको हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार LUT अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद डिटेल्स डालने का आप इसे सेव कर सकते हैं और DSC को कनेक्ट करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको DSC के थ्रू सबमिट करेंगे तभी इमीडिएटली आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, उस नंबर के बेस पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली जैसे मैंने पहले बताया 7 से 30 दिन के बीच में आपका ऑन बेसिस ऑफ अप्रूवल आपका LUT आ जाएगा। GST पोर्टल में LUT की अप्लाई करने के लिए करेंटली आपको 2 विटनेस चाहिए जिनके डिटेल्स आपको पोर्टल में डालने होंगे, प्लस इस रिक्वेस्ट को सबमिट, LUT रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए आपको DSC की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।